का रुख करते हैं। जयपुर से बड़ी खबर है, सचिवालय में ईडी की कार्रवाई जारी है। आईएएस सुबोध अग्रवाल के दफ्तर में ईडी का सर्च चल रहा है। बीते सात घंटे हो चुके हैं, ईडी की कार्रवाई चल रही है। सुबोध अग्रवाल, निजी सहायक और अन्य कक्षों में ये सर्च चल रहा है। ईडी ने कंप्यूटर और ईमेल भी खंगाले हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, लगातार ईडी की कार्रवाई चल रही है। सात घंटे हो चुके हैं, ईडी जमी हुई है, सर्च कर रही है, कंप्यूटर ईमेल इन तमाम चीजों को खंगाला जा रहा है। कागजात क्या है, दस्तावेज क्या है, इन तमाम चीजों को भी देखा जा रहा है। आईएएस सुबोध अग्रवाल के दफ्तर और सचिवालय में ये ईडी की कार्रवाई को लेकर लगातार अपडेट सच बेधड़क आपको दे रहा है। सात घंटे बीत चुके हैं और अभी तक ईडी की टीम दफ्तर के अंदर ही है, और लगभग कितना वक्त ज्यादा लगने वाला है, क्या अभी कुछ चीजों को ढूंढा जा रहा है, खंगाला जा रहा है, किस तरह के ये ईमेल हैं, जो दस्तावेज हैं या कंप्यूटर में जो फाइल्स डॉक्यूमेंट्स देखे जा रहे हैं, क्या उनमें वाकई बहुत वक्त लग रहा है, या ऐसे दस्तावेज हैं जिन पर ईडी की नज़र है, उन दस्तावेजों को ढूंढने आई है, या कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जिनकी उम्मीद में ईडी पहुंची है, ये तमाम जानकारी अब ईडी कंप्यूटर से खंगालने की कोशिश कर रही है कि आखिर कौन कौन से दस्तावेज इस कंप्यूटर में, ईमेल में जानकारियां मिल सकती हैं जो उनके लिए उपयोगी हो। अमित हमारे साथ इस खबर पर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, क्या कुछ अपडेट है अभी तक? मेरा सुबह से करीब 7 बजे यहाँ पर ईडी की टीम पहुंची थी, लेकिन अभी तक भी ईडी की टीम यहीं पे है, लगातार यहाँ पर दस्तावेजों को खंगालने का काम जारी है, यहाँ पर पूछताछ का काम जारी है। कुछ देर पहले यहाँ एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट को बुलाया गया था। फॉरेंसिक एक्सपर्ट यहाँ पर जो लैपटॉप, कंप्यूटर, हार्ड ड्राइव, मोबाइल जो से जो डाटा जब्त करना है ईडी की टीम को, उस डाटा की जांच के लिए यहाँ पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट को बुलाया। फॉरेंसिक एक्सपर्ट अभी अंदर है। बीच में देखने को मिला कि इनकम टैक्स का एक कर्मचारी भी यहाँ पर आया था कुछ फाइलों को लेकर के, उन फाइल पर साइन कराने के लिए। इस बीच में एक बहुत रोचक घटना ये भी हुई कि अंदर से एक पर्ची खाने के जो डब्बे अंदर गए थे परिवारजनों के, परिवार वालों के लिए, उस खाने के डब्बे में से एक पर्ची बाहर आई थी। उस पर्ची में एक नंबर लिखा था और एक नाम लिखा हुआ था, शुभ। हालांकि उस वो किसके लिए पर्ची थी, वो शुभ किसका नाम था, उस किसका फोन नंबर था, वो पर्ची बाहर क्यों आई थी, इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन इस तरह की पर्ची भी एक बार आई थी। तो मेरा लगातार यहाँ पर बाहर भी आसपास वालों का जमावड़ा लगा हुआ है, अंदर ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है, और देखना होगा कि ये कब तक, कितने देर तक ये कार्रवाई चलती है और इसमें आगे क्या निकलकर आता है। अमित, ये जो आप नाम पर्ची बता रहे हैं, ये पर्ची किसके द्वारा आई है, ईडी के द्वारा या ईडी के हाथ लगी है? ये जो नंबर है, अभी तो कुछ पता चल पाया इस पर्ची को लेकर? देखा, पर्ची ईडी के द्वारा बाहर नहीं आई है। जहां तक कुछ सूत्रों से पता चला है कि वो जो नाम था शुभ, वो शुभ नाम तो आइए सुबोध अग्रवाल के बेटे का नाम है, और सुबोध अग्रवाल का बेटे अभी मुंबई में पोस्टेड है और कस्टम डिपार्टमेंट में वो पोस्टेड है, और नीचे जो नंबर था, माना जा रहा है कि शायद नंबर भी उन्हीं का हो, और उनको कॉल करने के लिए वो पर्ची बाहर आई थी। ईडी के द्वारा इस तरह की कोई पर्ची बाहर नहीं आती। ईडी का प्रोसेस बेसिकली ये होता है कि जब ईडी कहीं पे जाती है तो वहाँ पे सभी मोबाइल फोन और सभी चीज जब्त कर लेती है, बाहर से अंदर और अंदर से बाहर किसी भी तरह की कोई सूचना का आदान प्रदान नहीं किया जा सकता। तो उसके बाद में ये इस तरह की पर्ची आना, मतलब अपने आप पर एक सवालिया निशान खड़े कर देता है कि ये पर्ची किस तरीके से आई। लेकिन इस तरह की एक पर्ची आई थी, हमने हमारे दर्शकों को भी वो पर्ची दी थी। आगे देखना होगा कि ये जो शुभ जो नाम था, वो आइए सुबोध अग्रवाल के बेटे का ये ही वो पर्ची थी, बेटे का ही नंबर था उस पे, या आज किसका नंबर था। ठीक है अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए, अपडेट आपसे।